क्या आप अपने करंट स्किन के रूटीन से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं? क्या पता उन्हें चेंज करने का टाइम आ चुका है? सो गाइस, आपने सही वीडियो पे क्लिक करा है। इस वीडियो पे ना हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी कि जो हम स्किन के रूटीन अभी फॉलो कर रहे हैं, अभी करंट में जो फॉलो कर रहे हैं, उसे चेंज करना भी चाहिए या नहीं, उसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप यू डूइंग गुड। और जो लोग मेरा फेस पहली बार देख रहे हैं, सो गाइस हाय, माय नेम इज मनप्रीति यादव और मैं इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब और साथ में वो बेल आइकन को भी दबा लेना जिससे कि मेरी न्यू वीडियोज की अपडेट आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच पाए। सो गाइस, फर्स्ट थिंग आपको ये ऑब्जर्व करनी है कि आप जो भी अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो डेली बेसिस पे, उसको लगाने के बाद आपकी स्किन रिएक्ट कैसे करती है। क्या आपकी स्किन में ज्यादा ब्रेकआउट के चांसेस हैं, या फिर फेस ज्यादा ड्राई फील हो रहा है, या फिर फेस पे बहुत ज्यादा ऑयलेस फील हो रही है। सो गाइज, अब बात आती है इंग्रेडिएंट की। क्या आप एक ही प्रोडक्ट काफी सालों से यूज कर रहे हो बट आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से आप फिट नहीं बैठ रहे हैं? सो गाइज, तो ये टाइम आ चुका है उन प्रोडक्ट को चेंज करने का और अपनी नॉलेज को अपडेट करने का अपनी स्किन कंसर्न के हिसाब से। गाइज, अपना स्किन टाइप पता करो क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप अलग अलग होता है और आपके स्किन टाइप पे कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, इस पे कुछ रिसर्च करने की जरूरत है आपको। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो कि कौन सा प्रोडक्ट आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से आप पे बेस्ट फिट होता है। डोंट फॉरगेट अबाउट द सीजंस, क्योंकि सीजन्स के अकॉर्डिंग ना हमारे स्किन के कंसर्न्स और हमारे स्किन की नीड्स चेंज होती रहती है। जो प्रोडक्ट समर्स में हमारे लिए मैजिक का काम कर रहे थे ना, वो विंटर तक आते आते फुस हो जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना है। प्रोडक्ट की गलती नहीं है, आपके स्किन की नीड्स चेंज हो गई है तो आपको प्रोडक्ट भी चेंज करने की नीड। सो गाइज, लास्ट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट योर गट्स। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है, वो कहते हैं ना कि हमारी गट फीलिंग कह रही है कि ऐसा होने वाला है, तो हमारी इंट्यूशन भी हमेशा झूठ हो ऐसा नहीं होता है। सो उस पर भी आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि ये टाइम आ चुका है अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से अपने नए प्रोडक्ट्स को चूज करने का। गाइज, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम सालों से कोई एक प्रोडक्ट अपने स्किन पे यूज कर रहे हैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, उस रिएक्शन ना होने की वजह से हम किसी नए प्रोडक्ट पे स्विच नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा लेकिन वो आपके फेस पे कोई एक्शन भी नहीं कर रही है, तो इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना है। इन सारे एक्टिविटीज को ना आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके स्किन पे कंसर्न क्या है और कंसर्न के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो वो कोई फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट को आपके फेस पर जब अप्लाई करते हो तो रिजल्ट्स दिखता है, कुछ माइनर सा ही रिजल्ट दिखता है। अगर माइनर सा रिजल्ट दिखता है तो आपको ये विश्वास हो जाता है कि उसका जो माइनर रिजल्ट है तो मेजर रिजल्ट भी होगा फ्यूचर में जाके। तो इस चीज के लिए आप अपने डर्मेट से कॉन्टेक्ट में या टच में रह सकते हो जिससे कि वो आपकी स्किन कंसर्न और स्किन टाइप के हिसाब से ये बताएंगे कि क्या सूट करेगा आपकी स्किन को और क्या सूट नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ पे अच्छे से रिसर्च करी होती है और उनकी इस रिसर्च से आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको भी थोड़ी सी नॉलेज मिलती रहेगी साथ साथ में। सो गाइस, कंक्लूजन ये निकलता है हमारा वीडियो के एंड में कि जो भी आप स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो ना, उसको पूरा टेंशन दो, अच्छे से ऑब्जर्व करो और अपनी स्किन की नीड फाइंड करो, क्योंकि हर मतलब डे बाई डे आपकी स्किन के जो नीड्स है ना वो चेंज होती रहेगी। तो शिफ्टिंग में मतलब नए प्रोडक्ट को ट्राई करने में आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होने चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहा करो, अपने डर्मेट से कंसल्ट करते रहा करो कि आपके स्किन के कंसर्न ये हैं, आपकी स्किन की नीड चेंज हो चुकी है तो अब आपको न्यू प्रोडक्ट पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली। अपडेट, यू नो, जैसे आप अपना फ़ोन अपडेट करते हो, एक सा फ़ोन नहीं रहता, पुराना फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, तो कुछ ऐसा सिस्टम है कि हर बार अपडेट ना बहुत ज्यादा अपडेट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। तो स्किन के रूटीन में क्यों पीछे रहना, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, योर स्किन डिजर्व्स द बेस्ट केयर पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स।